क्वेश्चन है सर, प्लीज टेल टीईटी एग्जाम हुन कदों होना है। दो चीज़ा ने, एक ता टीईटी, इत्थे टीईटी में लिखता टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ता ए पंजाब स्टेट का है, दूसरा सेंटर का है। इसनू सी टेट किया जाता है और इसनू पी एस टेट किया जाता है। पी एस टेट है कि तुसी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट दे स्कूलों विच तुसी अध्यापक लगना चाहते हो तो तुहानू पी एस टेट क्लीयर करना होगा। जे सी बी एस ई दे केंद्रीय विद्यालय, नवोदया विद्यालय या सी बी एस ई नाल सेंट्रल गवर्नमेंट नाल रिलेटड जिहड़े स्कूल ने उन्हां च एलिजिबल होना चाहते हो अध्यापक लई, तां तुहानू ये करना पैंदा है सी टेट। सो कदों होना हुंदा है, नॉर्मली शेड्यूल जिहड़ा है वो आर टी ई एक्ट के मुताबक सिक्स मंथ, एवरी सिक्स मंथ बाद है ना। लेकिन पी एस टेट जिहड़ा है वो गैप पै जाता है, कई बार छे महीने बाद शायद हुंदा है, कई बार साल बाद हुंदा है, कई बार दो साल बाद भी हुंदा है। दैट इज़ वाई मैं ये सुजैसट करता हाँ कि जो ही पी एस टेट आता है फिल कर दियो। पर संभावना लगती है कि जिवें आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली बार लिया है पी एस टेट और हुण लैण की संभावना है, जिहड़ा शड्यूल बनता है वह दिसंबर बनता है दोनों का ही, पी एस टेट का भी है ना, दिसंबर जनवरी, दिसंबर ही क्या कहांगे, दिसंबर 2023 पी एस टेट इस तरह होएगा, दिसंबर 2023। इस तरह सी टेट दिसंबर 2023 का होएगा। दिसंबर सी टेट के होने की संभावना 90% कह लो ये होएगा। इस दे फॉर्म भी एक दो महीने पहले आ जाते हैं, लेकिन पी एस टेट के फॉर्म भी लगभग एक महीना पहला, कई बार तो 25 दिन पहला जां 35 दिन पहला आते हैं। सो ये इन्हों का शड्यूल है। सो तुहाड़ी एडमिशन हो जानी है, तुसी एलिजिबल हो ये देने लई, जे उसकी तैयारी करनी है नाल नाल हुण कर सकते हो। उसते मैं अगले वीडियो टेट ते ही, टी ई टी ते ही आणगे। ठीक है, थैंक यू।